प्रदेश के प्रत्येक परिवार को मिलेगा 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू। प्रदेश के लोगों को बीमारी में भारी भरकम खर्च से मुक्ति मिलेगी। सरकारी और योजना संबंधित निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। 1576 बीमारियों को इस बीमा योजना में शामिल किया गया है। बड़ी राहत कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो कि गंभीर बीमारियों से डरते हैं या फिर जूझ रहे हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य इससे पीड़ित है। सरकारी और अन्य योजनाओं में शामिल इसे किया गया है। 1576 बीमारियों को इस बीमा योजना में शामिल किया गया है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा मिलेगा प्रदेश के प्रत्येक परिवार को। और इसके लिए कल से यानी कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे और मजदूर दिवस यानी 1 मई से योजना प्रदेश में शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण घोषणा की थी बजट के समय। आज कैबिनेट बैठक में अहम चर्चा इसी मुद्दे पर भी होनी है और कल से रजिस्ट्रेशन चूंकि शुरू हो रहे हैं। 1576 बीमारियों को इस बीमा योजना में शामिल किया गया है, यानी कि 1576 बीमारियों को कैटेगराइज किया गया है। इनमें से कोई भी संबंधित बीमारी होने पर आप बीमा राशि को क्लेम कर सकते हैं। 5 लाख तक का बीमा प्रत्येक परिवार को प्रदेश के। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लोकेश, प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर, जहां पर बजट में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस योजना का जिक्र किया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कल से रजिस्ट्रेशन उसको लेकर के शुरू हो रहे हैं और मजदूर दिवस से योजना शुरू हो जाएगी, क्या पूरी योजना के तहत जानकारी लोकेश? देखिए, बिल्कुल, प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा देना, यानी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच रही है, पिछली सरकार में भी उन्होंने जो निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा और जांच योजना शुरू की थी जी। उसी तरह इस बार भी प्रत्येक परिवार को एक सुविधा का लाभ देने के लिए उनकी 5 लाख तक का कैशलेस इलाज जो लोगों को मिले उसको लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। और उसी के आधार पर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो लाई गई है। दरअसल जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है, बात करें तो जो आयुष्मान भारत योजना है, उस दोनों को मर्ज करके जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार की ओर से लाई जा रही है, जिसमें जो खाद्य सुरक्षा और जो उसमें शामिल जो लोग हैं उनको पहले से ही इसमें शामिल किया गया है, जहां इनको किसी भी तरह का इनकी चार्ज नहीं दिया जाएगा। साथ साथ जो लोग इस योजना से बाहर थे उनको भी इसमें शामिल करने का काम है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है जी। जिसमें 850 रुपए प्रति परिवार की ओर से सरकार द्वारा ले जाएंगे। दरअसल इसमें जो 1650 रुपए का जो चार्ज लग रहा है, जिसमें आज जो 50% सरकार की ओर से वहन किया जाएगा, 50% की जो 850 रुपए प्रति परिवार की ओर से इस बीमा राशि प्राप्त या बीमा की जो सुविधा प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा। 1 अप्रैल से इसको लेकर रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा। इसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसमें लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो जन आधार कार्ड है वो या जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। जन आधार कार्ड नंबर या उसके जो पंजीकरण की जो रसीद है वो होना आवश्यक है, और उसी से जो जो लाभार्थी है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो इसमें मिलेगा। 1 साल के जो 850 रुपए इस योजना के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं जो प्रीमियम बीमा के लिए, और उसी के आधार पर जो सरकारी और जो प्राइवेट जो अस्पताल है जो इस योजना से के अंतर्गत आते हैं उन सब अस्पतालों में निःशुल्क जो इलाज उन लोगों को मिल पाएगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहले से ही सोच रही है कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिले और हर जो व्यक्ति को पूर्ण तरह से इलाज मिले, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहले निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया और उसके बाद में अब ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लाई गई है, जिसमें हर परिवार को 5 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो मिलेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10:30 बजे से पहले समीक्षा बैठक लेंगे, कोरोना को लेकर भी समीक्षा बैठक लेंगे, उसके बाद में 11:30 बजे के करीब जो कैबिनेट की बैठक है वो भी प्रस्तावित की गई है, उसमें भी इस योजना को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की जो रणनीति है वो शुरू की जाएगी। दरअसल 1 अप्रैल से इस योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 1 मई से इस योजना का जो लाभ है वो
हर लाभार्थी परिवार को मिलेगा। और सरकार की ओर से जो एक महत्वपूर्ण कदम है वो उठाया जा रहा है, उस कदम में जो मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना है वो महत्वपूर्ण है। जी चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।